वन विभाग के द्वारा जल मीनार तोड़े जाने के ग्रामीणों से मिलने पहुंचे बीस सूत्री एवं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष। गेड़े जिले के तीसरी वन प्रक्षेत्र के चंदवा पहाड़ी टोला में वन विभाग की टीम द्वारा 6 माह से निर्माण किए जा रहे जल मीनार को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही जल मीनार में प्रयुक्त पानी टंकी, सोलर सहित कई उपकरण जब्त कर लिए गए थे। वन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। इसे लेकर आज तीसरी प्रखंड के बीस सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन एवं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल उक्त गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत किए। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की। साथ ही वन विभाग द्वारा की गई जागृति को भी सुनाया, जिसके पश्चात उन्हें जल्द से जल्द समस्या का निराकरण के साथ पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही तत्काल उच्च पदाधिकारी से बात कर पानी मुहैया टैंकर के द्वारा किए जाने की बात भी कही गई। बड़ी दूर से लानो ही हो, उन्हें दो मीटर से उतने देर से पनिया लानो है, से बहुत दिक्कत पनियों के, जला माला भी पिए में दिक्कत हाले, सब कुछ दिक्कत हो, नहाए वाला सब कुछ दिक्कत हाले। तो यहाँ जब लगलो पानी टंकी तो यहाँ लगा लगा से दिखनी जे प्लास्टर या के उठाए उठाए के लगल के ट्रैक्टर बजाय के ले गए। तो सरकार से तो की मांग करूँ? अलग से लगा हम पनिया के चाहिए। मोहम्मद मुनीबुद्दीन बीस सूत्री अध्यक्ष प्रखंड तीसरी। अभी खड़तोंक पंचायत के चंदवा पहरी में हम लोग आए हैं। कई दिन पहले यहाँ से जल नल योजना के माध्यम से जो बना था टंकी, पानी भी चालू कर दिया गया था। अब उसको उखाड़ के ले गए फॉरेस्ट विभाग, तो उसी का जांच में हम लोग आए हैं। ग्रामीणों से पता चल रहा है कि ये ज़मीन का हम लोग के पास पट्टा है, और हम लोग बोले कि पट्टा है, उसके बावजूद भी उन लोग माने नहीं और जबरन उखाड़ के ले गए। तो हमारी मांग है उपायुक्त महोदय से कि ये पूरा गांव आदिवासी का गांव है, आदिवासी भाई यहां रहते हैं और पानी का बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। यहां हम लोग पता किए, यहां के लोग बता रहे हैं कि हम लोग 2 किलोमीटर लगभग दूर से पानी लाते हैं और पीते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि ये पानी टंकी पुनः चालू कराया जाए, जितना जल्द हो सके चालू कराया जाए। और जो लोग दोषी इसमें हैं, क्या मारपीट वगैरह भी किए हैं, जो मारपीट किए हैं उसका जाँच हो और जांच होके उचित कार्रवाई हो। जो भी इसमें दोषी हैं, वो या ठेकेदार हो या वनकर्मी हो या जो भी हो, वो जांच कर जो उचित है वो कार्रवाई होना चाहिए। मैं रिंकू वर्णवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष तीसरी। आज हम लोग खटपोक पंचायत के चंदवापरी ग्राम में जो जल नल योजना के तहत जल मीनार लगाया गया, उसकी जाँच में हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे प्रखंड कमेटी। यहाँ पर हम लोग ये पाए कि घर के एकदम सटा हुआ, मान लीजिए आंगन में ये जल मीनार खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो मतलब कोताही बरती गई है या फिर जो गलत तरीका से यहाँ का पानी टंकी मोटर को उखाड़ फेंक लिया, वन विभाग के द्वारा ये बोला जा रहा कि ये वन विभाग का जमीन है। जबकि वन विभाग को पूर्व में अगर ऐसा लगता है कि ये वन विभाग का जमीन है तो उसे सबसे पहले नोटिस देना चाहिए था, चाहे वो जल नल योजना के जो ठेकेदार हैं उसको नोटिस देना चाहिए था, जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि उसे खबर करना चाहिए था, लेकिन किसी तरह का ये वन विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जबकि हेमंत सोरेन की सरकार में पूर्व में ही आदिवासी लोगों को वन पट्टा दिया गया था, इन लोगों ने बताया भी, हमने पूछा इन लोग से कि वन पट्टा इन्हें मिला हुआ है, लेकिन इसमें कहता है कि जल ही जीवन है, लेकिन वन विभाग और पेयजल का जो कर्मचारी या ठेकेदार है दोनों के आपसी समझौते नहीं होने के कारण आज यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जनता पानी के लिए बहुत दिक्कत किल्लत में है। हर हाल में किस तरह का समझौता दोनों में, ठेकेदार को सबसे पहले अगर ऐसा लगता है कि यह वन विभाग है, वन विभाग का जमीन है, तो ठेकेदार को सरकार जबकि उसे टेंडर जो दी है उसमें हर हाल में एनओसी का फंड भी उसमें मुहैया दिया है। ठेकेदार को अगर ऐसा लग रहा था तो उसको एनओसी लेना चाहिए था वन विभाग से, और वन विभाग को भी अगर वैसा लग रहा था कि हमारा ये वन विभाग का जमीन है तो ठेकेदार को एक नोटिस करना चाहिए था।
दोनों में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं हुआ, जिसके कारण आज यहाँ ग्रामीण पिस रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हर हाल में दोनों पदाधिकारी, जो सीनियर के पदाधिकारी जल नल योजना के हो चाहे वन विभाग के हो, हर हाल में यहाँ ग्रामीण को जल का मुहैया कराए। ऐसे में दोषी कौन है, ठेकेदार है या वन कर्मी है? दोषी अगर जोड़ा जाए तो दोनों दोषी है इसमें, वन विभाग के कर्मी भी दोषी है। मैं इसके वन विभाग के पदाधिकारी से भी मैं उच्च स्तरीय मांग करूंगा कि जो यहाँ पर सुनने में आया कि आदिवासियों के साथ जो मारपीट किया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर मारपीट हुआ तो उस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। और ठेकेदार को भी इस पर पहल करना चाहिए कि यहाँ का जो पानी का समस्या है इसे हर हाल में दूर करे। इसके लिए हम लोग जिला से भी, हम लोग अपना जिलाध्यक्ष और हमारे जो पूर्व विधायक यहाँ पे हैं मेरे गार्जियन, उन लोग से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग इसके लिए जाएंगे, मिलेंगे हम लोग कि इस गांव में हर हाल में, यह 50 गांव का बस्ती है, हर हाल में इसमें पानी का मुहैया कराया जाए। किसी के इति पर है ये जो है सो इसके अपने कब्जे में है, इसका पेपर भी है। हम लोग जब भी इसका जो ग्राम सभा किए और उसके तहत जो है सो हम लोगों ने इसका निर्णय लिए ताकि यहाँ पर हो, सबका भला हो पानी के लिए। तो अब बताइए वन विभाग कर्मी जो है सो इस तरीके से जो करेंगे, अच्छा बताइए तो क्या करेंगे लास्ट में? तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो अपना तो वन विभाग वाला क्या किए? वन विभाग वाला किसी से रहमत ने सहमत नहीं लिए, डायरेक्ट आए अपना ट्रैक्टर ले करके और उन्होंने जो है सो अपना सामान को जो है सो मशीन को, मोटर को, नल को, जो जितना सोलर प्लेट था, टैंकर था, सब अपना उतारे और जो है सो अपना ट्रैक्टर पर लोड करके चले गए। जब ये लोड करके जा रहे थे तब वार्ड सदस्य, यहाँ के जो हमारे वार्ड सदस्य जी हैं, इसने रोकने की कोशिश की तो बोला कि आप प्रतिनिधि के कारण आपको छोड़ दे रहे हैं, आप जाइए साइड हो जाइए और नहीं तो आपको तुरंत जेल भेजने का काम करेंगे। बहुत सारे यहाँ एक लड़का था, उसका नाम है सुंदर मुर्मू, पता नहीं यहाँ नहीं है, लेकिन उनके साथ भी जाति विवाद का गाली गलौज किया, धमन खोखा है, ये है साला मांझे लोग क्या करेगा, जब बताइए ऐसा कुछ होता है? धमन खोखा का ही तुम अभी चट्टा बट्टा पर हो, हेमंत सरकार क्या है वो भी धमन चट्टा है जी, इस तरीके से बात करते हो आप लोग? कोई भी पदाधिकारी हो तो क्या आप लोग किसी के सर पर चढ़ के आप लोग तो इसमें दोषी क्या कौन है? वन विभाग कर्मी है या सरकार है? कर्मी है, वन विभाग कर्मी। हम तो उस दिन भी बोले थे, सिपाही हमको बोले कि आप उस दिन नहीं थे, आप क्यों इस चीज को आप डाल रहे थे उसमें? हम कहे देखिए भैया जिस तरीके से आपने पीटा, अगर मेरे गाँव में मर जाता फंसता कौन? गांव वाले फंसते ना। तो क्या आपके साथ मारपीट भी उन लोगों के साथ किया है, ग्रामीण लोगों के साथ? ग्रामीणों के साथ नहीं किए हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट वो नहीं किए हैं। एक लड़का को और ये लड़का को गाली दिया है, दो लड़के के साथ में गाली गलौज किया है, वो लड़का नहीं है यहाँ पे अभी, सुंदर मुर्मू नाम का है, यही घर का, जिस इसी जमीन उसी के जमीन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद।